उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ हैं सर, ये आपको टिकट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? जो आपको मौका दिया गया है एक नई फील्ड में, आपको मौका दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या 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 आपको एक नया मौका, नई फील्ड है जहां पे आपको मौका दिया गया है। अब तक आप कानून की लड़ाई लड़ते रहे हैं और अब राजनीति की लड़ाई है आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में ये लड़ाई मानता नहीं हूं। राजनीति से समाज सेवा हो सकती है और राजनीति से भी राष्ट्र सेवा होती है। ये नया फंडा मैं जरूर अपनाऊंगा और राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। सर एक अहम सवाल सर ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ आपके सामने एक कंटेंडर है जो कि काफी अनुभव है उनको, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वर्षा ताई बहुत सीनियर मेंबर है, मैं उनसे भी मशवरा करूंगा, डिस्कस करूंगा। मेरे मन में किसी के खिलाफ न कोई बुराई है, न हमेशा कभी रहेगी। पूनम महाजन नाराज है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पूनम महाजन नाराज है सर, पूनम महाजन नाराज हैं, उनसे मिलने जाएंगे आप? जी पूनम जी, हमारे पारंपरिक संबंध है जी, जी। और प्रमोद जी हत्या के बाद भी मैंने उनसे कई बार मिला हूँ, बहुत स्टूडियस है जी। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बर्निंग क्वेश्चंस है जी, और उनसे मैं ये करूंगा। आपको एक नया मौका दिया गया है, आप धन्यवाद देना चाहेंगे बीजेपी के उनके नेताओं को? बीजेपी के सभी नेताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बावनकुड़े जी, हमारे लोकप्रिय डिप्टी सीएम देवेंद्र जी और आशीष जी शेलार, इन सबको दबी धन्यवाद। सर तो ये उज्ज्वल निकम जी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनके लिए एक नई शुरुआत है और जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर पहले सांसद थे उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे, पूनम महाजन से मिलेंगे। हालांकि उनके सामने जो वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर यहां जो उत्तर मध्य मुंबई की लड़ाई है वो बेहद अहम होने वाली, बेहद दिलचस्प होने वाली है। कैमरा अर्जुन टेकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई।